बिहार की धरती पर अब तक के क्राइम का काला चिट्ठा नीतीश के खिलाफ राजद ने खोला है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने लालू राज से लेकर नीतीश के सुशासन राज तक के आपराधिक घटना को सार्वजनिक करते हुए कहा कि जब लालू जी का राज था तब क्राइम रेट 1 लाख में मात्र 145 आपराधिक घटनाओं का रेशियो रहा है और आज जब नीतीश का राज है तब आपराधिक घटनाओं का रेशियोग्राफ 1 लाख में 256 है। तो जंगल राज का आरोप लगाने वाले जेडीयू नेता बताएं कि उस समय जंगल राज था या अब जंगल राज है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज, मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर के बिहार सरकार पर लगातार विपक्षियों द्वारा तानाकसी की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं। आज बता दूं कि एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरे 1990 से लेकर के अभी तक में ये देखा गया है कि अपराध की रेशियो क्या रही है। उसी पर आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उस डाटा के आधार पर कहा है कि जब लालू यादव की सरकार थी तब अपराध और आज जो नीतीश कुमार की सरकार है या एनडीए की सरकार है तब की अपराध में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। यानी लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार में अपराध बहुत ही कम था और अभी बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। इस पर आगे क्या कुछ कह रहे हैं चितरंजन गगन, आइए सुन। पिक्चर फ्रॉम 1992 to 2070 रेट ऑफ टोटल कॉग्निजेबल क्राइम रैंक एंड बिहार क्राइम रेट एज परसेंटेज ऑफ ऑल इंडिया क्राइम रेट टोटल कॉग्निजेबल क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन बिहार एंड इंडिया 1990 to 2017 इतना ही तक उपलब्ध हुआ है। तो इतना ही में जो है, तो जो अभी डीजीपी साहब का बयान आया कि 24 साल में, तो जो है आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 1990 में जब सरकार बनी लालू जी की, उस समय क्राइम रेट था 145, मतलब 1 लाख पर 145 आपराधिक घटनाएं घटती थी जिस समय लालू जी सत्ता संभाले। और उसके बाद 2005 में सत्ता इनको सौंपी गई नीतीश जी को, 2005 में उस समय क्राइम रेट था 108, मतलब 1 लाख में 108। तो जब लालू जी को सत्ता मिली उस समय क्राइम रेट था 145.10, मतलब कि 1 लाख में 146। तो जब लालू जी ने सत्ता सौंपी नीतीश जी को उस समय वह घटकर आ गया आपको 108। अब समझ लीजिए कि राजद के शासन काल में आपराधिक घटनाओं में किस ढंग से कमी महसूस की गई, देखिए। अब इनका देखिए, 2017 में ही वो बढ़ के हो गया 171 और अभी जो है अभी बढ़ के हो गया इनका 224। अब यह जिसके राज में जिसको सौंपा गया 108 परसेंटेज पर रेट पर 108 के रेट पर आज उनके राज में 224 पहुंच गया रेट क्राइम रेट। और उसके बाद अगर वह कहे कि वह जंगल राज था और आज जो सो मंगल राज है, डबल से भी ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा जो है सो वृद्धि हुआ क्राइम रेट में। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीआरबी का रिपोर्ट है, राजद शासन काल में 4 माने उसमें भी डबल बढ़ोतरी। चोरी की घटना 28 था राजद के शासन काल में, इनके काल में 58। दंगा फसाद की घटना राजद के शासन काल में 22, इनके समय में 28। यह तो मैंने अन्य क्राइम के बारे में बताया। एक बराबर उन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि नरसंहार राजद के समय में नरसंहार हुआ करता था। अब पता नहीं कौन इतिहास पढ़े हैं या कौन, अब उसमें अब ऐसे लोगों का बयान देखते हैं
अब नीरज जी अक्सर आप बोलते हैं कि नरसंहार जनसंहार उस समय नरसंहार होता था, लेकिन बिहार में नरसंहार की घटना शुरू ही बेलछी से, बेलछी में हुआ। उसके बाद आपको दमार 1977 में बेलछी में हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी भी आई थी। बहन की घटना, चार घटनाएं होती थी औसतन, औसत माने जो निकाले हैं सो राजद के शासन काल में, और भाजपा और यदि की सरकार एनडीए के सरकार में यह जो है सो 16 हो गई, चार गुना बढ़ोतरी हो गई। और कहते हैं हम लोग आरोप लगाते हैं कि अपहरण उद्योग चल रहा था, उसमें भी देखिए एक बहुत बड़ा फर्क। राष्ट्रीय जनता दल के समय में जो अपहरण की घटनाएं होती थी उसका रिकवरी परसेंटेज था 97%, और इनके शासनकाल में हो गया 43%, और इसमें भी 57% की जो है सो हत्या हो जाती है। उन लोगों ने प्रदेश की जनता और देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ बलगलाया है, झूठ बोला है। ये NCERB की रिपोर्ट है, उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं और आपके सामने डेटा का, क्राइम का ये डेटा जो है आपके सामने हम रख रहे हैं। गूगल सबके हाथ में है, आप गूगल करके देख सकते हैं 2005 से लेके 2024 तक और 2005 से पहले का शासनकाल लगातार इसमें ये दर्शा रहा है NCERB का डेटा कि 1 लाख पे पहले 142 क्राइम हुआ करते थे, अभी जो है क्रमशः 2024 तक 272 के करीब हो गए हैं, जो कि लगभग दोगुने हैं। हम ये आपको बताना चाहते हैं और NDA की गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता पार्टी के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रहे हैं ये बंद करें, ये उनको एक तरह से आईना है।